नमस्कार दोस्तों, मैं गिरीश शर्मा एक बार फिर हाजिर हूँ नए प्राणायाम के साथ। तो आज मैं अपनी वीडियोस में आपको बताऊंगा उज्जयी प्राणायाम कैसे करते हैं, उज्जयी प्राणायाम के क्या फायदे हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको उज्जयी प्राणायाम करवाऊंगा। तो आइए करते हैं उज्जयी प्राणायाम। सबसे पहले किसी भी कम्फर्टेबल पोज में बैठ जाइए, एनी कम्फर्टेबल पोज जो आपको अच्छा लगे उस प्रकार आप आसन लगा लें। कमर गर्दन को सीधी रखते हुए हाथों की ज्ञान मुद्रा या चिन मुद्रा बनाएं और लंबा गहरा सांस भरें और लंबा गहरा ही सांस को छोड़ें। तीन बार लंबा गहरा सांस भरने के बाद और छोड़ने के बाद आपको क्या करना है, जब आपको सांस अंदर भरना है तो अपने कंठ को संकुचित करना है। तो कंठ जब संकुचित करके आप सांस को अंदर भरेंगे तो ध्वनि उत्पन्न होगी, जिस प्रकार छोटा शिशु खर्राटे भरता है सोते टाइम, इस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होगी। तो आइए एक बार कीजिए मेरे साथ। तीन बार लंबा गहरा सांस भरें और छोड़ें, उसके बाद श्वास को भरते हुए कंठ को संकुचित करें इस प्रकार। और फिर श्वास को नासिका से बाहर छोड़ दें। फिर दोबारा से इसी प्रकार करें। इस प्रकार 8 से 10 आवृत्तियां करने के बाद आप आंखों को बंद रखें और अपने गले पर ही अपने कॉन्सेंट्रेट को फोकस करें। फोकस रखें अपने गले पर ही और इस प्रकार आप करते हैं उज्जयी प्राणायाम। तो इसके अनगिनत लाभ है, परंतु इसका जो मेन लाभ है योगिक दृष्टि से वो है मृत्यु पर विजय प्राप्त करना। मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए योगी लोग जो है कि उज्जयी प्राणायाम को करते हैं। और सामाजिक दृष्टि से अगर रहन सहन में देखा जाए आमतौर पर, तो उज्जयी प्राणायाम जो है हमारे कंठ प्रदेश की जितनी भी बीमारियां होती हैं, चाहे वो ध्वनि से रिलेटेड हो, चाहे वो थायराइड हो, चाहे वो कंठ प्रदेश में किसी भी प्रकार के से उत्पन्न हुई पीड़ा हो, तो उसको उज्जयी प्राणायाम बिल्कुल सही कर देता है। कंठ प्रदेश की बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए हमें उज्जयी प्राणायाम को करना अति आवश्यक है। तो इस प्रकार होता है हमारा उज्जयी प्राणायाम। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आने वाले वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।